नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 128/50। ये जो ट्रेन है पुणे जंक्शन से हर शुक्रवार को बिलासपुर जंक्शन के लिए रवाना होती है। अगर इसके मुख्य स्टेशन के बारे में बात करें तो ये पुणे जंक्शन से दाहोंद, मनमाड़, भूसावल जंक्शन होती हुई ये दुर्ग जंक्शन के थ्रू बिलासपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। ये जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है, हर शुक्रवार को ये चलती है और 23 घंटे 10 मिनट में पुणे से बिलासपुर जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं, 1302 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, इसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है और इसमें LHB कोचेज जो है लगे हुए हैं जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोचेज के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोचेज वाइज बताऊंगा। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोचेस का किराया बताऊंगा पुणे जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन तक का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ट्रेन है पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसमें फर्स्ट AC का जो टोटल किराया है वो है 3765 रुपये, जिसमें 3450 रुपये तो बेस फेयर है, 60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और टोटल 100 GST चार्ज है, 180 रुपये के करीब है। टोटल किराया इसका 3765 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी है। सेकंड AC का जो किराया है टोटल किराया है वो है 2000 रुपये, जिसमें 50 रुपये तो रिजर्वेशन चार्ज है। टोटल किराया इसका 2200 रुपये बनता है। बेस फेयर है इसमें 2000 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 50 रुपये और सुपरफास्ट चार्ज है 45 रुपये, GST चार्ज जो है 105 रुपये के करीब है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो किराया है वो है 1362 रुपये। टोटल किराया इसका वैसे 1520 रुपये बनता है। बेस फेयर है 1362 रुपये, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 72 रुपये जो है वो GST चार्ज इसमें शामिल होता है और टोटल किराया इसका 1520 रुपये बनता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो GST चार्ज है वो सिर्फ AC कोच में जोड़ा जाता है। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है पुणे से बिलासपुर तक का वो है 575 रुपये, जिसमें 525 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 575 रुपये इसका टोटल चार्ज बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो पुणे जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 320 रुपये। ये किराया आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कन्फर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे पुणे से बिलासपुर जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है पुणे जंक्शन महाराष्ट्र से हर शुक्रवार को शाम को 5:40 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन जो है 19 स्टेशन हैं, 23 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और 1302 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद ये ट्रेन जो है दाहोंद जंक्शन महाराष्ट्र में शाम के 6:55 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और 75 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अहमदनगर महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 8:52 पे पहुंचती है और 8:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 160 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बेलापुर में ये ट्रेन जो है रात के 1:53 पे पहुंची और 1:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 227 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बेलापुर का स्टेशन कोड है BAP। इसके बाद ये ट्रेन जो है खोपरगांव महाराष्ट्र में पहुँचती है रात के 10:43 पे और 10:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 271 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो मनमाड़ जंक्शन में पहुँचती है। मनमाड़ जंक्शन में इसका पहुँचने का समय है रात के 11:50 पे और 11:55 पे रात को वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है
और दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और आजाद हिंद एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 1:48 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के भूसावल जंक्शन में पहुंचती है। भूसावल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:25 पे पहुंचती है और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद अकोला जंक्शन में ये पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सुबह 4:30 पे पहुंचती है और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 637 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बंडेरा जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 6:20 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। महाराष्ट्र के इस ट्रेन के 11वें स्टेशन पुलगांव जंक्शन में ये सुबह 7:27 पे पहुंचती है और 7:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन पुणे से पुलगांव जंक्शन की जो दूरी है 780 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो वर्धा जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 8:04 पे पहुंचती है और 8:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 811 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वर्धा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है WR। इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में, इसके बाद पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है। नागपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:30 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 890 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नागपुर जंक्शन का जो स्टेशन गोंदिया जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है G, ये महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर सुबह 11:25 पे पहुंचती है और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोंदिया जंक्शन के बाद ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। छत्तीसगढ़ के पहले स्टेशन राजनांदगांव में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:47 पे पहुंचती है और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1123 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। राजनांदगांव का जो स्टेशन कोड है वो है RJN। इसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ में पहुंचती है दोपहर के 1:25 पे और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1154 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दुर्ग जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है DURG। इसके बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन में दोपहर के 2:05 पे पहुंचती है और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1192 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहां पर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भाटापारा स्टेशन में पहुंचती है। भाटापारा स्टेशन में ये दोपहर के 3:10 पे पहुंचती है और 3:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1255 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BYT। भाटापारा के बाद पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में शाम के 4:50 पे पहुंचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 1302 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। 200 के साथ पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ में अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखते रहें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।